नमस्कार दोस्तों, प्रियंका और निक के तलाक लेने की फर्जी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। एक मैगजीन ने इस बात का दावा किया था। हालांकि इस खबर को प्रियंका चोपड़ा के परिवार ने पूरी तरह से नकार दिया था। अब प्रियंका चोपड़ा की बहन परिणीति चोपड़ा ने भी इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। परिणीति चोपड़ा ने कहा, मैगजीन में छपा आर्टिकल बहुत ही बकवास था। मेरा इस पर जो भी रिएक्शन है वो परिवार के बीच ही रहेगा। मुझे इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पब्लिक के लिए नहीं है। परिणीति ने इंटरव्यू में आगे कहा कि उन्हें पब्लिकली कोई बयान देना होता तो वह इस मामले पर ट्वीट करती। परिणीति कहती है कि उस मैगजीन ने भी वो आर्टिकल हटा दिया है। इसका मतलब वह एकदम बकवास और फर्जी था। प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने भी बेटी और तलाक पर रिएक्शन दिया है। मधु चोपड़ा से जब इस खबर पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, यह इस बारे में बात करने का सही वक्त नहीं है। ये थी मैगजीन की रिपोर्ट। ओके मैगजीन की रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से लिखा था कि निक और प्रियंका चोपड़ा बहुत जल्द प्यार कर बैठे थे। शादी के बाद दोनों ने एक दूसरे को जानना शुरू किया था। प्रियंका और निक काम, पार्टी, साथ वक्त बिताने को लेकर झगड़ते हैं। मैगजीन के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि निक प्रियंका पर कुछ बंदिशें भी लगाते हुए दिखाई दिए हैं। मैगजीन ने यह भी दावा किया था कि निक के परिवार वाले भी शादी को ख़त्म करने के लिए कह रहे हैं। शुरुआत में उन्हें लगा था कि प्रियंका एक मैच्योर लड़की है। हालांकि अब उन्हें लगता है कि प्रियंका केवल पार्टी करने वाली ही लड़की है।